हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम देख रहे थे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। पार्ट एट में हम देखेंगे स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है फॉर फ्लूइड फ्लो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्ट्रीम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर, जैसे हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था ना, सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रीम फंक्शन है। बस क्या है, ये टू डायमेंशन के लिए होता है। वहाँ पे हमने u, v और w मीन्स x, y और z डायरेक्शन में हमने निकाला था। यहाँ पे सिर्फ किसी दो डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, x, y के लिए, और ज़्यादातर हम x, y के लिए ही देखते हैं, मीन्स u और v के लिए देखते हैं। तो जो हमारा कंपोनेंट्स u और v जो बन आता है, उसमें क्या आया था, u हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, क्योंकि निगेटिव फंक्शन का निगेटिव हुआ इन एनी डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो का फ्लो, ठीक है। ये था, इसमें क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीम फंक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे अच्छे से बनाते हैं। ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर टू डायमेंशन। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर टू डायमेंशन के लिए ही सिर्फ हम स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसका एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं, और इस बोलते हैं इट इज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। ध्यान देना, हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ा था और इसका डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं। इट इज अ स्केलर फंक्शन, वो भी हमारा स्केलर फंक्शन था, ऑफ स्पेस एंड टाइम का, वो भी स्पेस एंड टाइम का, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन एक्स और वाई, क्योंकि टू डायमेंशन की बात है, पहले ही टू डायमेंशन का है, सिर्फ एक्स और वाई इन एनी डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रहा होगा ना, तो आइए इस डेफिनेशन को शॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है x और y, टू डायमेंशन की ही हमेशा फंक्शन आपको मिलेगा स्ट्रीम फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इसी तरह एक क्वेश्चन दिया होगा कि आपका फाई का कुछ ये फंक्शन है, ठीक है। अब आप उसमें वेलोसिटी कंपोनेंट निकालें, u और v की बात कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट। तो जो आपका इस फंक्शन को अगर आप x के टर्म में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें, तो जो आपका कंपोनेंट बनता है वो बनेगा v कंपोनेंट। उल्टा हो गया, एक्स के डायरेक्शन में वैसे क्या बनता था, यू होता था, बट जब हमारे किसी साई फंक्शन को आप एक्स के टर्म में डिवाइड करोगे, पार्शियली डेरिवेट करोगे, तब जो आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा वो वी मिलेगा। और सेम टू सेम इसी फंक्शन को अगर आप वाई के टर्म में डेरिवेट कर दे, तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो माइनस ऑफ यू मिलेगा। अब ये कैसे मिला, यहाँ पे क्वेश्चन में एक टॉप एक चीज लिखा है, वो ध्यान देना, इट इज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, हाँ एक्स वाई और टाइम दैट इज टी। यहाँ पे एक्चुअली इसको ऐसे लिखना चाहिए था, फंक्शन को, फंक्शन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। हाँ, तो क्या हम पढ़ रहे थे, इट इज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन एक्स और वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन एनी डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन में हमेशा यू होता है,
और y डायरेक्शन में हमेशा v होता है। तो अगर जब आप किसी इस फंक्शन को x डायरेक्शन, ये एक्सिस x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, x के टर्म में डिवाइड करोगे तो जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा वो क्या बनेगा, उसका राइट एंगल मिलेगा और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका राइट एंगल ये भी हुआ और इधर भी होगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस वी, इधर हो जाएगा माइनस यू। अब हमने एक्स के रिप्रेजेंट में इसको डिवाइड कर रहे हैं फंक्शन को, तो हमारा जो वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा वो राइट एंगल पे मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा उस डायरेक्शन से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए हम नीचे ना आकर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ गए, तो हमारे जो वेलोसिटी कंपोनेंट मिला वो क्या मिला, वी। ठीक है, और सेम टू सेम अगर हम देखो, अब ध्यान से देखना, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमारा हो गया प्लस यू, इधर बता रहा है माइनस यू, प्लस वी माइनस वी। अगर आप वाई, और ये वाई एक्सिस है हमें पता है, और ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आप किसी फंक्शन को वाई के डायरेक्शन में पार्शियली डेरिवेट कर रहे हो, तो जो आपका स्ट्रीम फंक्शन के थ्रू जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा वो राइट एंगल और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इधर की ओर हो रहा है और इसका राइट एंगल हमारा ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा माइनस यू। यहाँ पे हमने एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया और एंटी क्लॉकवाइज गए, राइट एंगल पे हमें वी दिखा, तो हमारे डेल फाई फंक्शन को एक्स के टर्म में डिवाइड करोगे तो हमें वी कंपोनेंट मिलेगा, फंक्शन को वाई के टर्म में पार्शियली डेरिवेट करोगे तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगा वो माइनस ऑफ यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन में वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रहेगा आपको, ऐसा है ये, तो मेन जो फॉर्मूला है हमारा ये है। ये आपको टेक्निक बताया हूँ याद करने के लिए, बाय चांस अगर आप भूल गए, कन्फ्यूज हो जाओगे, सही बात है, तीन वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीम फंक्शन, आप भी एक दो इक्विपोटेंशियल लाइंस में आएगा तो आप भूल जाओगे, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे हमने ये इसका कंपोनेंट वी हुआ, इसका माइनस यू हुआ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यू और वी की जगह स्ट्रीम फंक्शन का साई पुट कर दो, यू और वी की जगह साई, अगर यू और वी को अगर आपको साई के टर्म में चेंज करना हो तो कैसे हो जाएगा, एक्स यू को हो हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वी को हम क्या लिखते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन में वैल्यू पुट हो गया और आपने इस इक्वेशन में साई की वैल्यू पुट की और वैल्यू टोटल जीरो आया, दिस मीन्स आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कंडीशन में है। ठीक है, और फ्लूइड आपका क्या है, मे बी रोटेशनल भी हो सकता है और ई रोटेशनल भी हो सकता है। अब उसके लिए कैसे पहचानें कि हमारा ई रोटेशनल फ्लो है या रोटेशनल फ्लो है, तो देखते हैं, सबसे पहले तो एक नोट लिख लेते हैं। हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ शाई मीन्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, द फ्लो मे बी रोटेशनल और ई रोटेशनल। ठीक है, इस लैपलास इक्वेशन बना है हमारा, ये
इस इक्वेशन में साई की वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, जीरो आ गया, दिस मीन्स फ्लूइड आपका फ्लो कंडीशन में है, और वो शायद रोटेशन भी हो सकता है, ई रोटेशन हो सकता है। बट हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में देखा था, जब हमारे लैप्लास इक्वेशन में फाई की वैल्यू, वहाँ क्या था, फाई था, यहाँ शाई है, तो फाई की वैल्यू जीरो आ जा रही है, दिस मीन्स हमारा फ्लूइड तो फ्लो है, और कौन सा फ्लो है, ई रोटेशनल फ्लो। बट इन स्ट्रीम फंक्शन कंडीशन में हमारा वो रोटेशन भी हो सकता है और ई रोटेशन भी हो सकता है। अब हमें बताना होगा कि वो रोटेशन है, ई रोटेशनल है, तो उसके लिए क्या करें, आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे हमने वहाँ पे रोटेशनल कंपोनेंट निकाला था और उसमें फाई यू और वी की जगह फाई की वैल्यू पुट की थी, और सेम टू सेम अगर हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन दिया हो, ठीक है, साई की वैल्यू दिया हो, और तब हमें रोटेशनल कंपोनेंट बोला निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? हम जानते हैं द रोटेशनल कंपोनेंट ठीक है z के लिए निकाल लेते। अब यहाँ पे रोटेशनल कंपोनेंट x, y, z, स्ट्रीम फंक्शन तो x और y के लिए होता है, लेकिन रोटेशनल कंपोनेंट हमारा u और v जिसमें होना चाहिए उसके लिए है, तो u और v हमारा सिर्फ दोनों w z में भी होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये देखो ध्यान से, अब ये देखो हम जानते हैं स्ट्रीम फंक्शन हमारे पास शुरू से u और v ही हैं, दो ही टू डायमेंशन में होता है स्ट्रीम फंक्शन, u और v। तो अगर रोटेशनल कंपोनेंट पूछा आपसे, तो रोटेशनल कंपोनेंट किसका पूछा है, x का, y का या z का, तो आपको पहचानना होगा कि वो x और y या z का पूछा है, ठीक। सिर्फ 2D में होता है, तो आप हो सकता है स्ट्रीम फंक्शन आप u v में लेके चल रहे हो सकता है स्ट्रीम फंक्शन आप v और w में लेके चल रहे हो सकता है स्ट्रीम फंक्शन आप u और w में लेके क्वेश्चन में दिया हुआ आप लेके चल रहे हो, तो उससे आपको कैसे पहचानेंगे कि आपका रोटेशनल कंपोनेंट डब्ल्यू एक्स होगा या ओमेगा वाई होगा या ओमेगा जेड होगा। ये देखो, हमने अभी तक हमने आपको यू और वी लेकर समझा रहे थे, तो देखो यू और इसमें यू, इसमें वी है लेकिन यू नहीं है, मीन्स ये रोटेशनल कंपोनेंट हमारा नहीं होगा स्ट्रीम फंक्शन के थ्रू, यू है वी नहीं है, डब्ल्यू दिया हुआ ये भी नहीं होगा। अब इसमें यू भी है और वी भी है, हमारा है यू भी है और वी भी है, मीन्स हमारा जो रोटेशनल कंपोनेंट यहाँ इसके लिए ओमेगा जेड होगा, तो द रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा जेड इज गिवन बाय, क्या होता है रोटेशनल कंपोनेंट, ओमेगा जेड इज इक्वल टू वन अपॉन टी डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, यही था ना हमारा, ठीक है। अब देखो, अब u और v की जगह पे स्ट्रीम फंक्शन साई u और v को साई के टर्म में चेंज करना हो, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा z इज इक्वल टू वन अपॉन टू डेल अपॉन डेल एक्स, v को हम क्या लिखते हैं, अभी हम देखें स्ट्रीम फंक्शन में v को हम साई के टर्म में चेंज करना हो, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स होता है, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, यू को क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई ना, तो जो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट बना ओमेगा जेड इज इक्वल टू वन अपॉन टू डेल स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, तो डब्ल्यू जेड हमारा रोटेशनल कंपोनेंट ये आया। इफ फॉर ई रोटेशनल फ्लो रोटेशनल कंपोनेंट द रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हमने आपको इससे पहले बताया था कि आपका जो फ्लो, हम तो इतना तो जान लिए फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है स्ट्रीम फंक्शन के थ्रू, तो फ्लो हो रहा है तो इरोटेशनल भी हो सकता है रोटेशनल भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको रोटेशनल कंपोनेंट निकालना होगा, तो वो आप जो फंक्शन यू वी लेके चल रहे हैं या वी डब्ल्यू लेके चल रहे हैं, जो भी लेके यू वी लेके जैसे हम चल रहे थे, तो यू वी से हमारा रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा जेड ही बनता है, क्योंकि उसमें यू और वी टर्म है दोनों, तो हमने रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा जेड निकाला, ओमेगा जेड निकाला, ठीक है, ये ओमेगा जेड की फॉर्मूला। आप फाई को एक्स के रिप्रेजेंट में डिफ्रेंशिएट कर दो बार, फाई को वाई, क्वेश्चन में फाई की वैल्यू दी होगी फंक्शन, वाई के रिप्रेजेंट में दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो और वन मैट्रिक्स इंटू कर दो, तो आपका ओमेगा जेड निकाल आएगा। जब आप ओमेगा जेड निकालोगे तो उसका वैल्यू जीरो आ जा रहा है, दिस मीन्स जो आपका फ्लो है वो ई रोटेशनल फ्लो है, ठीक है। और इसके लिए लैप्लास इक्वेशन कैसे बन जाएगा स्ट्रीम फंक्शन के लिए, हैंस वी हैव
डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द लैपलास इक्वेशन. ठीक है, अब यहाँ पे द इफ स्ट्रीम फंक्शन फाई, इफ स्ट्रीम फंक्शन फाई एग्जिस्ट इट इज पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो विच मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल. अगर इस लैपलास इक्वेशन फाई की वैल्यू इस लैपलास इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जा रही है, दिस मीन्स आपका फ्लूइड क्या है, फ्लो कंडीशन में है, और वो इरोटेशनल हो सकता है और रोटेशनल हो सकता है, दोनों. पहला केस हमारा ये बना. दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, इफ स्ट्रीम फंक्शन फाई सेटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन इट इज पॉसिबल केस ऑफ एन इरोटेशनल फ्लो. ओके, आई थिंक आपको ये स्ट्रीम फंक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. कैसे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी हमारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल लाइन पढ़ेंगे और दो तीन के हम रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट.